नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, आज हम चल रहे हैं पाचन पथ की यात्रा की तरफ, यानी जब भोजन मुंह से ग्रहण किया जाता है तो बहुत लंबी सी वो यात्रा तय करता है, और जब वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम के द्वारा जब बाहर निकल जाता है तो इसे ही कहते हैं पाचन पथ की यात्रा। कुछ भी गड़बड़ी हो जाए पाचन पथ की यात्रा में, तो बताया कि 90% से ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं जिसका कारण है पेट की गड़बड़ी, जिसका जिक्र किया था। तो आज चर्चा होगी उन 10 स्पेशल पॉइंट्स की जो कि फेमस हैं चाइनीज एक्यूपंचर में 10 ओल्ड निडल फार्मूला के नाम से, यानी असाध्य से असाध्य बीमारियां पेट से रिलेटेड। जब आप स्टिमुलेट करेंगे उन 10 पॉइंट्स को तो देखिए पेट तो सही होगा ही होगा, और इसके कारण जो अन्य बीमारियां भी आ गई थी आपको, हो गई थी, तो उनमें भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। डायग्राम दिखा देती हूँ, अपने हाथों में मैंने बनाया है इसको पॉइंट्स का। ये देखिए, ये पॉइंट्स है, डरिए मत, एक एक को समझते हैं, बहुत इजी है, और देखेंगे ये पॉइंट्स करेगा क्या, एक एक पॉइंट के बारे में कि ये पॉइंट जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो ये इसका क्या असर होगा। तो बढ़ते हैं उस पाचन पथ की यात्रा में। तो सबसे पहले जैसे हम भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं और वो नीचे चला जाता है इसोफेगस, छाती में। कुछ कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि छाती में हमें खाना फंस रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ा भारी भारी सा कि छाती में खाना रुका हुआ है, एसिडिटी है या बहुत सी प्रॉब्लम जो खाने की वजह से आपको छाती में हो गई है। देखिए उसका पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे इस पॉइंट को, उसका नाम है P6, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल मिडल में आएंगे, अपर जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ, बाइलेटरल है पॉइंट, यानी कि दोनों ही हाथों में। नाम है इसका P6। जब स्टिमुलेट करेंगे P6 को, एक्चुअली हमें लेना होगा टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट, बताऊंगी कैसे यूज करना है इसको। तो सबसे पहले हमें स्टिमुलेट करना है P6 को। P6 को स्टिमुलेट करेंगे तो जो भी खाना छाती में रुका हुआ था वो 1.5 इंच नीचे आ जाएगा। अब नीचे तो आगे क्योंकि इसोफेगस है, इसोफेगस स्टमक तक ले जाने का काम करेगा। ये पॉइंट है CV13। जब स्टिमुलेट करेंगे CV13 को, इसकी लोकेशन देखिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जब हम सीधी लाइन खींचेंगे तो जहां पर हमारा पेन रुक जाएगा ये है CV12 और उसके ऊपर है CV13। CV13 ये एक ही हाथ में है। जब हम स्टिमुलेट करेंगे CV13 को तो जो हमारा भोजन है वो इसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाएगा, उस द्वार तक पहुंच जाएगा। अब बारी है कि पाइलोरस तक जाए खाना, तो भोजन हमारा पाइलोरस तक जाएगा CV12 से। हम जब इसको स्टिमुलेट करेंगे CV12 को तो हमारा जो खाना है, भोजन है, वो पाइलोरस तक जाएगा। अब बात करते हैं CV10 की, ये क्या करेगा। जब स्टिमुलेट करेंगे इस पॉइंट को तो जो हमारा भोजन है वो पाइलोरस से ड्यूडिनम तक चला जाएगा। अब ड्यूडिनम से असेंडिंग कॉलन तक जाने के लिए हम स्टिमुलेट करेंगे स्टमक 25 को। स्टमक 25 ये बाइलेटरल है पॉइंट, यानी कि दोनों ही हाथों में इसको स्टिमुलेट करना है। लेकिन ड्यूडिनम से असेंडिंग कॉलन तक जाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि असेंडिंग कॉलन आपको पता है कि एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का जिक्र है जिसमें कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन की बात की थी। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, जरूर देखें। यहाँ बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है तो मैं जिक्र नहीं करूंगी उस बात का, आप जरूर देख लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। असेंडिंग कॉलन एक्चुअली ग्रेविटी के विरुद्ध आपको काम करना है तो एनर्जी की जरूरत होगी, वो एनर्जी आपको देगा CV6। ये पॉइंट है CV6, CV13, CV12, CV10, स्टमक 25,
जो कि दोनों तरफ है स्टमक 25 और ये है CV6 जो कि आपको एनर्जी दे रहा है। अब असेंडिंग कॉलन से तो चढ़ गया, अब असेंडिंग कॉलन से लेके रेक्टम तक भोजन आपका पहुंच जाए, वेस्ट मटेरियल आपका रेक्टम तक पहुंच जाए, तो इसके लिए जो ऊर्जा देगा वो देगा स्टमक 36। मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, यांग साइड यानी कि पीछे की तरफ आएंगे, ये पॉइंट्स इन साइड में थे, स्टमक 36 यांग साइड है, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट और जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ ग्रुप में ये पॉइंट है, ये पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। यहाँ पर हम स्टिमुलेट जब 36 स्टमक 36 को करेंगे तो भोजन पथ की यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। हो गए हमारे 10 पॉइंट्स। अब क्या करना है, टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स लेंगे, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से व्हाइट दूसरी तरफ से येलो, और दूसरा हमें लेना होगा पेपर टेप। पेपर टेप में हमें लगाना होगा इस टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को, और देखिए जो इसका येलो कलर है मैग्नेट का, ये स्किन को टच करेगा और बाहर से व्हाइट दिखाई देगा, यानी हमें पॉइंट्स को टोन करना है। तो जो इतने सारे पॉइंट्स बताए, टोटल 10 पॉइंट्स, उन सब में ये टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स को लगा लीजिएगा। 10 के 10 पॉइंट्स लग जाएंगे, 14 आवर्स तक आपको लगाकर रखना है, डेली लगेंगे ये पॉइंट्स, रोज रात में लगा लीजिए, सुबह उठकर आप पेपर टेप को फेंक दीजिए, और जो सारे मैग्नेट्स हैं इनको आप, इनको नहीं फेंकना है, इन सबको आप जोड़कर रख लीजिए, दिन भर में ये फिर से चार्ज हो जाएंगे, फिर रात को तैयार है आपके ट्रीटमेंट के लिए, मैग्नेट्स कभी भी एक्सपायरी नहीं होते हैं। तो देखिएगा आप इसको जरूर करें, फिर देखिए क्या आपको रिजल्ट्स आएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइए, जनहित में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। साथियों यदि आपके भी मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं या आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप एक्यूप्रेशर थेरेपी से जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। ये चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, हम इसे सिखाते भी हैं पत्राचार के द्वारा, आपका मन है इस चिकित्सा विधा को सीखने का तब भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।